अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हो आप सब लोग, फिर से वापस एक नए एक धमाकेदार एक स्पेशल वीडियो के साथ मेरे स्पेशल व्यूवर्स के लिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे इज मॉडर्न म्यूजिक बेस्ट देन ओल्ड म्यूजिक, देखेंगे किसका पलड़ा भारी है। अगर प्लीज एंड प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम जी सर, हमारा आज का जो हमें व्यूवर्स को दिखाना है कि अभी जो म्यूजिक का दौर चल रहा है, इस म्यूजिक में एक एक साइड पे रैप सॉन्ग्स है जो कि एक आपको पता है मॉडर्न वे ऑफ पोइट्री है। अभी आप हमारे व्यूवर्स को बताएं आपको कौन से सॉन्ग्स पसंद है, ओल्ड सॉन्ग जैसे कुमार सानू गाता था, जैसे आशा भोसले, जैसे उदित नारायण, या रैप सॉन्ग्स जैसे बोहिमिया, आपको कौन से पसंद? बिल्कुल, मैं रैप सॉन्ग्स ही पसंद करता हूँ। मैं यानी इंटरनेशनल आर्टिस्ट में ज़्यादा सुनता हूँ, जैसे केंड्रिक लमार, जे कोल, और कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्ट सुनता हूँ मैं, तलांजुम, यंग सिनर्स। जी, इंडियन आर्टिस्ट भी सुनता हूँ, बोहिमिया भी सुनता हूँ, तो मुझे रैप म्यूजिक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं रैप म्यूजिक प्रेफर करता हूँ। मतलब आप खाली रैप म्यूजिक को प्रेफर करते हो, मतलब ओल्ड सॉन्ग्स उतना नहीं सुनते हो आप? म्यूजिक नहीं सुनता हूँ जी। थैंक यू सो मच हमारा टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई जी, हमारा आज का जो वीडियो है ये हमारे व्यूवर्स को दिखाना है कि सबसे ज्यादा किसका, हमारा जो म्यूजिक का दौर है सबसे ज्यादा पलड़ा बारी किसका है, ओल्ड सॉन्ग्स जैसे कुमार सानू था, जैसे उदित नारायण, जैसे आशा भोसले गाते थे ओल्ड सॉन्ग्स, या आजकल के ये रैप सॉन्ग्स जैसे बोहिमिया, जैसे रफ्तार, आपको कौन से गाने पसंद है? जी मेरे को भूमिया के गाने पसंद है बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब रैप सॉन्ग्स क्यों? मतलब क्योंकि भूमिया के गाने सुन के जो है एक अलग सा जोश आ जाता है, काफी अच्छे सॉन्ग होते हैं उसके। हाँ, रैप काफी अच्छे होते हैं। मतलब आपके 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 नजरिए से रैप सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं? बहुत ज्यादा अच्छे हैं। चलो थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स के लिए, टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आज का हमारा यही सवाल है कि अभी जो म्यूजिक का दौर है यहाँ पे एक साइड में रैप सॉन्ग्स है। रैप सॉन्ग क्या होता है, एक मॉडर्न वे ऑफ पोइट्री है, मतलब शेर व शायरी जो पुराने होती थी वो अब उसको थोड़ा अलग तरीके से ले जाया गया है। हा? अभी आप मुझे ये बताइए आपको पुराने सॉन्ग, ये जैसे कुमार सानू गाता था, लता मंगेशकर, वैसे सॉन्ग्स, या रैप सॉन्ग पसंद है, ये आप हमारे व्यूवर्स को बताइए प्लीज़ जी। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, मुझे तो ओल्ड सॉन्ग्स में प्रेफर ज़्यादा ओल्ड सॉन्ग ही करता हूँ, लेकिन मैं आपके रैप अक्सर बेशतर सुनता हूँ और मैं आपको लाइक भी करता हूँ बहुत। थैंक यू सो मच। और जब से मैंने आपको सुना है तब से मैं रैप ही लाइक करता हूँ ज़्यादा। जी जी जी, आप हमें ये बताइए मतलब रैप सॉन्ग्स आपको, मतलब खाली रैप सॉन्ग पसंद है या ओल्ड सॉन्ग्स, मतलब किस में थोड़ा ज़्यादा, मतलब वजन किस में ज़्यादा है? मुझे तो जब से मैंने आपको सुना है मुझे तो लगता है रैप ही में ज्यादा वजन है एज कम्पेयर टू ओल्ड सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आज का जो म्यूजिक का दौर है, आज मतलब दो साइड से म्यूजिक आता है, मतलब फॉर एग्जांपल एक साइड से रैप सॉन्ग्स है और एक साइड से ओल्ड सॉन्ग्स है, जैसे ओल्ड सॉन्ग्स फॉर एग्जांपल जैसे उदित नारायण, कुमार सानू जैसे गाते थे ओल्ड सॉन्ग्स, और अलग साइड से रैप सॉन्ग्स है। ये जो रैप सॉन्ग्स क्या होता है, ये मॉडर्न वे ऑफ पोइट्री होता है। अब आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपको कौन से सॉन्ग्स पसंद है, रैप सॉन्ग्स और ओल्ड सॉन्ग्स? ऑफकोर्स मुझे तो रैप सॉन्ग्स ही पसंद है, क्योंकि उनमें मतलब बंदा स्ट्रगल करता है, मतलब बंदा खुद लिखता है, खुद म्यूजिक बनाता है, तो रैप सॉन्ग तो बहुत अच्छा है। मतलब आपके नजरिए से रैप सॉन्ग्स का पलड़ा भारी है? हाँ, मतलब बहुत भारी है। चलो थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, आज का जो म्यूजिक का दौर है इसमें दो साइड पड़े हैं, दो साइड मतलब कि एक साइड पे रैप सॉन्ग्स हैं और दूसरे साइड में ओल्ड सॉन्ग्स है। मतलब ओल्ड सॉन्ग्स क्या होते थे, मतलब जैसे कुमार सानू गाता था, जैसे आशा भोसले, उदित नारायण, और रैप सॉन्ग जो आपको पता है ये एक मॉडर्न वे ऑफ पोइट्री है। अब आप हमारे व्यूवर्स को बताइए आपको कौन से सॉन्ग्स पसंद है, मतलब किसका पलड़ा भारी है, ओल्ड सॉन्ग्स और रैप सॉन्ग्स? बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब जो रैप सॉन्ग्स है, रैप सॉन्ग्स में अच्छा फील होता है, अच्छा मतलब सुनने को मतलब अच्छा मिलता है, और बहुत ही अच्छा मतलब रैप सॉन्ग्स होते हैं। मतलब ये ओल्ड सॉन्ग्स आज की दुनिया में नहीं, मतलब सुनना मतलब अच्छा नहीं लगता है सुनना जी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मतलब आपके कहने से पलड़ा भारी रैप सॉन्ग्स का है? बिल्कुल। हां बिल्कुल। चलो थैंक यू सो मच हमारे व्यूवर्स को टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो, आपका सपोर्ट चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय।